हो जाएगी। तो बेहतर क्या है कि जैसे ही आपका एक तरह का एक आपने इंजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डी रोगम इंजेक्शन, ठीक हो गया, ये आप जब फीमेल प्रेग्नेंट हो तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये इंजेक्शन लगता है। ये एमसीक्यू आता होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, एंटी डी रोगम जो इंजेक्शन होता है वो लगता है। अब ये एंटी डी रोगम जो इंजेक्शन है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर लगते हैं, नंबर वन। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, आपने एक पीरियड पढ़ा होगा पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड वो पीरियड होता है जो आफ्टर द डिलीवरी होता है। तो साथ जैसे डिलीवरी होती है तो अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर भी आपने इंजेक्शन ये लगाना, एंटी डी रोगम एंटीबॉडी इंजेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई है उनको ये खत्म कर देगी, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक हो गया बच्चों, आगे चले, शाबाश, हाँ जी, क्लियर है, ओके जी। अब हम नेक्स्ट जो आप लोगों का डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, अब इसके क्या है, अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो से तीन बातें आप लोगों ने देखनी है। एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न के अंदर आप लोग उसे सोचो, जस्ट इमेजिन कि एक मदर है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, ये क्या है, मदर का है। उसके बाद आपने ये कहना है कि बच्चा जो है, फीटस जो है, उसका ब्लड ग्रुप क्या, ए बी है। तो ये क्या बन गया, ये जनाब आपका एक तरह का ए बी ओ ब्लड ग्रुप बन गया। अब इसके अंदर होता क्या है, आपने ये कहना है कि मुझे ये आप लोगों ने बताना है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक तरह का एक बच्चा, एक माँ है, उसका ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसकी सरफस के ऊपर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, शाबाश, ये मुझे बता दें। हाँ जी, इसकी सरफस के ऊपर जो एंटीबॉडी पाई जाएंगी वो कौन सी होगी, माँ की सरफस के ऊपर एंटीबॉडी कौन सी होगी अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपने ये कहना है कि इसकी सरफस के ऊपर ए बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, मतलब एंटी ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ये एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है, जस्ट इमेजिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटीबॉडी ये वाली पाई जा रही है, दूसरी बात आप ये सोचिए कि अगर एक फीटस है, फीटस का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसकी एंटीजन कौन सी होगी, शाबाश, इस फीटस का जो एंटीजन है वो कौन सी होगी, जल्दी करें जल्दी करें, हाँ जी, इसके अंदर जो आपका ए बी जो है, इसकी जो एंटीजन होगी वो कौन सी होगी, आपका ए बी एंटीजन होगी, ठीक है। अब देखें ये आपका एंटीजन है, वो आपका एंटीबॉडी है, अब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, शाबाश, ये बताइएगा जी, ये आपका अटैक करेंगे, आपका बिल्कुल अटैक करेंगे। जब ये करेंगे तो क्या होगा, इसके नतीजे में आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, जब आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, हिमोलाइसिस होगी, जब आपकी हिमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, जब ये बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जॉन्डस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि देखो कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप, एक माँ है ना, एक माँ का ब्लड ग्रुप अगर ओ है ना, तो उसकी सरफस के ऊपर जो एंटीबॉडीज जो पाई जा रही है ना वो कौन सी है, वो जनाब आपकी ए बी एंटीबॉडी है, ठीक हो गया। और बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, अब जब बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी सरफस के ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सी पाई जाती है, ए बी एंटीजन पाई जाती है। अब माँ के ऊपर पहले ही एंटीबॉडी तैयार पड़ी हुई है और बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो क्या होगा, वो एंटीबॉडी जो माँ के अंदर मौजूद है बच्चे के एंटीजन के ऊपर अटैक करेंगी, जब इसके ऊपर अटैक करेंगी तो क्या होगा, आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, आपका आरबीसी टूटेगा, जब आपका आरबीसी टूटेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डस होगी, आपके अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम क्या देखते होते हैं, अगर तो फॉर एग्जांपल बच्चों एक क्वेश्चन आता होता है कि कभी भी अगर आप इन द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंट, इन द फर्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी इफ अ सीन जॉन्डस, देन इट इज अ पैथोलॉजिकल जॉन्डस, कौन सी होगी, ये पैथोलॉजिकल जॉन्डस होगी, मतलब कि अगर डिलीवरी के फौरन बाद अगर कोई बच्चा जो है वो जनाब एक तरह का पीला हुआ पड़ा, मतलब कि वो जो आप ये देखते हो कि वो पीला हुआ पड़ा है, तो वो पैथोलॉजिकली या वो फिजियोलॉजिकली नहीं है। फिजियोलॉजिकली जो जॉन्डस होती है वो आफ्टर वन डे होती है, लेकिन विद इन 24 जो आवर जो होगी वो कौन सी होगी, आपकी पैथोलॉजिकली होगी। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको जॉन्डस होती है, आपका अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बड़ा वो होता है, तो हमने करना क्या होता है बच्चों, इन पेशेंट्स का हम जनाब आपका एक तरह का कंजुगेटेड बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन जो होती है वो जनाब सेंड कर देते हैं, अगर इनका बिलीरुबिन का लेवल बड़ा हुआ है। उसके बाद
हम इनको फिर फोटोथेरापी करवाते हैं, हम इन बच्चों को जनाब सूरज के अंदर रखते हैं, ठीक है, मालिश मुलश इनकी करते हैं, तो ये इसका इलाज है प्रॉपरली। कोई ऐसा बच्चा, और जब आपको आपको पता है कि आरबीसी इन्होंने काफी ज्यादा टूटे हैं, जब आरबीसी टूटता है हिमोलाइसिस होती है, जब हिमोलाइसिस होती है तो क्या होता है, अनिमिया होता है, तो अनिमिया की वजह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए बंदा पूछ सकता है। शाबाश। हाँ जी क्लियर है? ये देखो RH हेमोलाइटिस डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। अब हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, अगर RH नेगेटिव मदर है, बच्चा RH पॉजिटिव है, फीटस है, क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होगी, मदर एक्सपोज टू फीटल ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी, फॉर्मेशन ऑफ मटर्नल क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मटर्नल एंटी डी आई जी जी एंटीबॉडी। उसके बाद क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो ये जो आईजीडी आईजीजी एंटीबॉडी होगी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, फीटस के ऊपर अटैक करेगी, हिमोलाइसिस होगी, हाइड्रोस विटालिस जॉन्डस शॉर्टली आफ्टर बर्थ कार्निक्ट्रस प्रिवेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी आईजीजी टू आरएच इन थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक हो गया बच्चों, प्रिवेंट मटर्नल आईजीजी प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन ही नहीं होने देती, अगर जो प्रोडक्शन है वो क्या करती, न्यूट्रलाइज कर देती है। उसके बाद आगे देखें कि आगे क्या होता है, आगे ये कि आपने देखा टाइप ओ ब्लड ग्रुप टाइप ए और टाइप बी फीटस है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग मटर्नल एंटी ए और एंटी बी आईजीजी एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक हो गया, हिमोलाइसिस इन फीटस। अब आपको पता है ना कि उसके ऊपर एंटीजन है और इसका ये एंटीबॉडी ये अटैक करेंगे। माइल्ड जॉन्डस इन न्यू नेट विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, अनलाइक मतलब कि ये आपका आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो नहीं आती, बेबीज जो है वो जनाब आप लोगों ने देखना होता है यूजुअली लेस सीवियर, इतनी सीवियर नहीं है, फोटोथेरेपी करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, घर भेज देते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन, शाबाश। ओके हो गया, क्लियर है तो कोई इसको मैटो कोइसिस। देखिए हिमेटोपोइसिस का मतलब ये होता है कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आपके ब्लड के जो जितने भी सेल्स होते हैं हिमाटोलॉजी के जितने भी, मतलब हिमाटोलॉजी की मुकम्मल तौर पर जो आपकी जो फॉर्मेशन होती है आप ये कह सकते हैं कि इसको आप हिमेटोपोइसिस कहते होते हैं। अब जब भी आपके जो सेल्स की प्रोडक्शन होती है ना, तो इसका जो सबसे जो बड़ा माईबाप होता है ना वो जनाब आपका स्टेम सेल्स होते हैं, जिसका हम कहते होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक हो गया। तो आपने कहना होता है कि आपके जो सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है, मेन जो टॉप होता है जिधर से ये हो रही होती है, इसको हम कहते होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं, एक तरह का मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये जनाब आपके मेन होते हैं, जिनकी प्रोडक्शन जहां से होती है जो कि बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। अब देखें कि ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से आपके दो तरह के सेल्स की प्रोडक्शन होती है। कौन से दो तरह के सेल्स होते हैं, आपने कहना होता है कि आपके एक सेल्स जो होते हैं उनको हम ये कहते होते हैं कि माइलॉइड स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं, एक तरह का माइलॉइड स्टेम सेल्स। और दूसरे तरह के जो सेल्स होते हैं उनको हम ये कहते होते हैं कि लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब एक यहाँ पे ना हमने, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं जितने भी हमको याद हैं ब्लड के, हमने सारे के सारे याद रखने हैं और हमने ये देखना है कि वो किधर से पैदा होते हैं और क्या हिसाब क्या होता है। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो कि जनाब आपकी बोन मैरो के अंदर रहते हैं, इनको हम CD34 भी कहा जाता होता है। उसके बाद जनाब क्या होता है, आपके माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं और इसके साथ साथ आपके क्या होते हैं, एक तरह के लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं। अब
माइलोइड और लिम्फोइड स्टेम सेल्स हो गए। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं, जो भी आपके लिम्फोइड सेल्स होते हैं, इधर से आप लोगों ने ये कहना होता है कि इनसे आपकी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने कहना है कि इधर से आपका, इसका तो सिंपल जो है ना प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो तो हो ही सेपरेट गया ना, क्या कि ये सिंपल करते ही लैम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये क्या पैदा करेंगे, इधर से जनाब आपके लैम्फोब्लास्ट पैदा करेंगे। अब जैसे ही ये लैम्फोब्लास्ट पैदा होते हैं तो लैम्फोब्लास्ट से क्या बनता होता है, लैम्फोब्लास्ट से आपके बी लैम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लैम्फोसाइट्स, उसके बाद आपके टी लैम्फोसाइट्स, उसके बाद आपके नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है, इनकी जनाब प्रोडक्शन होती है। अब बी सेल हो गया, टी सेल हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो बी सेल्स होते हैं वो आगे किस में चेंज होते होते हैं? शाबाश, आप लोगों को भी पता होगा कि बी सेल्स जो होते हैं वो आगे प्लाज्मा सेल के अंदर चेंज होते हैं। प्लाज्मा सेल से क्या बनती है, आपकी एंटीबॉडीज बनती है। तो बी सेल जो होते हैं वो जनाब आपके प्लाज्मा सेल के अंदर चेंज होते हैं, प्लाज्मा सेल जो होता है वो जनाब आपकी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। इसी तरह जो टी सेल होता है वो जनाब आपने ये कहना होता है कि टी सेल से मेनली आपके मुख्तलिफ तरह के सेल्स पैदा होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक टी हेल्पर सेल होता है, ठीक हो गया, एक जनाब आपका आपने कहना होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, ठीक है, ये जनाब आपके टी सेल से प्रोडक्शन होती है। तो अब ये सारे के सारे जो कि टी लैम्फोसाइट्स, बी लैम्फोसाइट्स, जो लैम्फो का लफज है ना, जहां पे भी लैम्फो आ जाए आपने उधर से ही समझ जाना है कि ये लैम्फो वाले जो होंगे वो कहाँ से पैदा होंगे, आपके लैम्फोइड स्टेम सेल से पैदा होंगे। बच्चों समझ आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या सोचना है, आप लोगों ने ये कहना है कि हाँ जी जनाब हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपकी हिमेटोपोइसिस होती कैसे है। तो आप लोगों ने कहना है कि सबसे पहले जिस चीज को आपने माइंड में रखना है वो है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो के अंदर आपका CD34 होता है, वो जनाब आपके दो तरह की प्रोडक्शन करवाते होते हैं। एक जो प्रोडक्शन होती है जिसको आप लोगों ने याद रखना है वो होता है जनाब आपका लिम्फोइड सेल्स। एक मिनट यार रुकना, कॉल आ रही है, एक मिनट कॉल। अच्छा, तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखना होता है कि एक तरह का बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर क्या होता है, आपने ये कहना होता है कि दो तरह के पोर्शन के अंदर चेंज होती है, एक होती है माइलोइड स्टेम सेल्स और दूसरा होता है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ठीक हो गया। अब जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं वो पूरे के पूरे लैम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल लैम्फोब्लास्ट बना, इधर से बी सेल बनता है, टी सेल बनता है और नेचुरल किलर सेल बनता है। बी सेल्स का मेन काम होता है प्लाज्मा सेल बनाना, प्लाज्मा सेल का मेन काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। टी सेल का आपको पता है कि टी सेल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे इधर से प्रोडक्शन होती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम माइलोइड स्टेम सेल्स की तरफ आते हैं और उससे मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स की प्रोडक्शन होती है उसको देखते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने खुद कहा कि सर जी ये यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया, तो अब यहां पर आप लोगों को पता है कि यार जो आपके ब्लड के अंदर दूसरे सेल्स हैं, जब आप सीबीसी की रिपोर्ट देखें तो आपको बहुत सारे सेल्स नजर आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से सेल्स नजर आते हैं आपको, आरबीसी नजर आते हैं ना, ठीक हो क्या? तो आप कहोगे कि यार देखो माइलोइड स्टेम सेल से फिर क्या पैदा होगा, आपको आरबीसी नजर आते हैं, ये भी इधर से होता है। आप जब सीबीसी की रिपोर्ट देखते हो वहां पे प्लेटलेट्स भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो भी कहाँ से पैदा होंगे, वो भी इधर से होंगे कि प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके न्यूट्रोफिल्स लिखे होंगे, एजिनोफिल्स लिखे होंगे, बेसोफिल लिखे होंगे, तो न्यूट्रोफिल हो गया, एजिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, उनकी प्रोडक्शन भी इधर से होगी, ठीक है। आपने कहना न्यूट्रोफिल है, एजिनोफिल है, बेसोफिल है, उनकी प्रोडक्शन भी क्या होती है आपकी एक तरह की इधर से होती है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्रोफेज, जैसा कि आपका ये क्या होता है, ये भी जनाब आपके माइलोइड स्टेम सेल से इनकी प्रोडक्शन होती है। आपने क्या देखा, आपने कहा कि यार जो आरबीसी है, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, वो जो प्लेटलेट्स हैं वो, उसके बाद आपने कहा कि न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स वो, उसके बाद आपने कहा कि यार ये जो मैक्रोफेज है ये सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो किधर से प्रोडक्शन होगी, उनकी लैम्फोइड स्टेम सेल से नहीं होगी बल्कि उनकी प्रोडक्शन आपके